देसी एग्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको फार्म प्रो कंपनी का जो रोटावेटर है इसको रिपेयर करेंगे। इसमें सीज़न ख़त्म होने के बाद से जब अगला सीज़न आता है तो इसको रिपेयर किया जाता है, तो हम इसमें रिपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे कि इसमें इसके जो ब्लेड्स लगे हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, और उनके नट बोल्ट्स ढीले हो गए हैं, और इसके जो बैरिंग हब है वहाँ पर ग्रीस है या कम हो गई है, वो सब हम चेक करेंगे। और इसका गियर ऑयल और इसका सी ऑयल, ये सब हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो पहले तो हम इसका पैड ऊपर कर लेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको ऊपर करके हम इसको ऊपर लॉक करेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है लॉक करने के लिए ऊपर करके पैड, तो उसके लिए हमने एक टेक्निक यूज़ की है, वो हम आपको वीडियो में दिखाएँगे, जिससे आप बहुत ईजी तरीके से इसको ऊपर की तरफ लॉक कर सकते हैं और नीचे आराम से बैठ के आप अपना ब्लेड उसके नट बोल्ट्स को टाइट कर सकते हैं। तो पहले तो हम पैड ऊपर कर लेते हैं, और चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे हम इस पैड को लॉक करने वाले हैं। एक रिंच की मदद से हम इसको लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद अपना काम शुरू करेंगे। लॉक करने के बाद आप अलग से भी इसको किसी रस्सी से बांध लें, श्योर करने के लिए कि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि आप नीचे बैठ के काम करेंगे। अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सब खोल लिया है पैड को, और अब हम इसको लॉक करने वाले हैं। तो ये रिंच हमने लगा दिया, इसमें हम नट बोल्ट से इस रिंच को दोनों साइड से टाइट कर देंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसको टाइट करने के बाद हमने ब्लेड्स को पहले चेक करेंगे, इसके बाद हम ग्रीस वाला सेक्शन देख लेंगे इसका, और फिर गियर ऑयल और सी ऑयल वाला सेक्शन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो आगे दिखाते हैं आपको कैसे ये काम होगा। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप अपना रोटावेटर कहीं शॉप पर ले जाकर रिपेयर करवाते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, इसको आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए आराम से, और आप अपने जो भी इम्प्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप घर पे आसानी से रिपेयर कर लें। हमने अपना पैड लॉक कर लिया है, और अब हम नीचे अपना ब्लेड चेक करने वाले हैं। जैसा आप सामने देख पा रहे होंगे, तो हम उसमें जो भी हमारे नट बोल्ट्स ढीले हैं उनको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक बाँस का यूज़ किया है, छोटा सा है ये, बहुत बड़ा नहीं है। इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने बीच में डाल दिया है, जिससे ये जो पूरा सेक्शन है जिसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं या पूरा एक्सल, ये घूमेगा नहीं। इसको रोकने के लिए हमने इसमें बांस का यूज़ किया है, हमने ऐसे लगा दिया है और हम टाइट करते जा रहे हैं। इस तरीके से हम इसके सारे ब्लेड्स को टाइट कर लेंगे पहले, और जहाँ पर ब्लेड्स नहीं हैं उनको हम उन जगहों पर नए ब्लेड्स लगा देंगे। तो वीडियो को हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप देख लीजिए, सेम इसी तरह आपको करना है। जो भी ब्लेड ढीले हैं उनको आप टाइट कर लीजिए। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम इसमें ग्रीस कैसे भरेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने इसको कंप्लीट ही कर लिया है, और अब हम इसमें ग्रीस भरने वाले हैं। जो इसका बैरिंग हब है वहाँ पे खोल के देखेंगे ग्रीस कम है या सूख गई है, तो वहाँ पे हम ग्रीस भर लेते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा हब है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीस है अभी, और थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन ठीक है ग्रीस इसमें। तो हम इसमें एक्स्ट्रा ग्रीस ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। कंप्लीट ग्रीस आप इसमें भर लें, फिर इसको आप लॉक कर लें। एक ही साइड में होता है रोटावेटर में, और सेकंड साइड ये है जिस साइड गियर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें गियर ऑयल भरा हुआ है। जब आप इस सेक्शन को खोलेंगे तो यहीं से पता चल जाता है कि इसमें गियर ऑयल है, अदरवाइज़ इसमें गियर ऑयल नहीं होता तो यहाँ से ऑयल बाहर नहीं निकलता। और ये वाला सेक्शन हमारा सी ऑयल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक अंगूठा रखा हुआ है यहाँ तक इसमें होना चाहिए, इससे कम होने पर दिक्कत आ सकती है, तो आप श्योर करें कि इससे कम ना हो। और ये हमारा एयर फिल्टर टाइप्स होता है जो अंदर नमी नहीं जाने देता, इसको भी साफ़ करके आप लगा लें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।